हे गरुड़ जी महाराज, कलयुग का एक बहुत बड़ा प्रताप भी है। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में जो गति ध्यान से, यज्ञ से, पूजा से होती है, वो केवल नाम जप से कलयुग में हो जाती है। कृतयुग अर्थात सतयुग, इसमें सब योगी होते थे, सब अनुभवी महापुरुष, तत्व अनुभवी, इसलिए वो निरंतर स्वरूप ध्यान में मगन होकर जीवन मुक्त हो जाते थे। त्रेता में विविध प्रकार के भगवान की यज्ञों का यजन करके नारायण हरि को प्राप्त करना प्रायः संभव सागर से पार होते थे। द्वापर में पूजा का विस्तार करके भगवान की आठों पहर पूजा में लगे रहना। पर कलयुग में तो केवल एक ही उपाय, भगवान के गुणों का गान करते हुए उनका नाम जप करते हैं, निरंतर नाम जप तो भव समुद्र से पार। कलयुग में ना तो योग सफल हो सकता है, ना यज्ञ सफल हो सकता है, ना ब्रह्म ज्ञान, क्योंकि जो चाहिए वो सब लुटता चला जा रहा है। आहार की पवित्रता, व्यवहार की पवित्रता, ये सब नष्ट होती चली जा रही है। अगर शरीर को साधन में लगाना है तो थोड़ा स्वस्थता भी चाहिए, आहार पवित्रता भी चाहिए। अब हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, शुगर इतनी, ये अब उसको चाहिए, दवाइयां चाहिए। दवाइयां खाएगा तो योग कितना कर पाएगा, क्या योग, क्या उससे साधन बनेगा। जिस ज्ञान के लिए हम ब्रह्म पदवी में स्थित होने के लिए साधना करते हैं, वो बल ही नहीं रह गया। सात्विक वृत्ति के द्वारा इंद्रिय और मन का दमन करके राग रहित तीनों शरीरों से हो जाना, पता ही नहीं तीन शरीर कौन है, अनुभव ही नहीं, तो ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म बोध बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पवित्र आहार संयम इसका अभाव है। छोटे छोटे बालकों में दूषित भावनाएं आ गई हैं, कैसे आसन पे बैठ पाएंगे जब ब्रह्मचर्य ही नहीं है, नींव ही खराब हो गई, तो साधना क्या योग की होगी। योगी योग कदम जो बढ़ाता है, उसमें प्रथम बात होती है कि वो संयम धारण करे। एक जगह हमने पढ़ा था कि जो योग साधना बिना गुरु के आदेश के, बिना गुरु की दृष्टि में रहे प्रारंभ करेगा तो रोगी हो जाएगा। योग कोई साधारण बात नहीं, और अगर कहीं ब्रह्मचर्य क्षीण होने वाली बात है तो फिर योग में कदम न रखे। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको सब मोबाइल आदि का ज्ञान है, सब विषय सेवन की वृत्तियों का ज्ञान हो गया है, कैसे योग होगा, कलिकाल कैसे यज्ञ करेंगे हम। एक बीच में सुनने को मिला था, घी में गाय की चर्बी, दूध वो ऐसे पाउडर वाउडर डाल के, क्या मतलब, जिससे कपड़े धो जाते हैं ऐसे उस दूध में मिला के वो बनाना, ऐसा बता रहे थे। अच्छा होता है, तो आप सोचो हम दूध, वही दूध पिएंगे तो हमारी आंतों का क्या होगा, हमारे शरीर का क्या होगा, वो रोग ग्रसित हो जाएंगे। अच्छा अब उनमें हम यज्ञ कैसे करें, कौन सा देवता भाग ग्रहण करेगा, जब अपवित्र है, दूध अपवित्र, घी अपवित्र, जो धान्य पैदा किया जाता है उसमें जब केमिकल डाले जाते हैं, उर्वरक डाला जाता है, अपवित्र हो जाता है। गाय के गोबर से पड़ी हुई भूमि में जो खाद है, उससे जो अन्न होता है वो पवित्र माना जाता है। कहाँ, जब गाय का गोबर डाल के उपजाया जाता था ना, तो 6 मन 8 मन बड़ा बीघा जिसे कहते हैं, जिसमें इस समय 60 मन 70 मन अन्न होता है उर्वरक डाल करके। यज्ञ के लिए कौन सी सामग्री रह गई है जिसके द्वारा यज्ञ किया जा सके। हे गरुण जी महाराज, ध्यान एक सेकेंड मन नहीं टिक रहा, इंद्रियों के साथ विचरण कर रहा, बिल्कुल बिजली की तरह दौड़ लगाया, ध्यान होगा। मन मानी आहार करते हो, ध्यान कर पाओगे। वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं ध्यान को, मेडिटेशन को, ये बता रहे थे कि मेडिटेशन करते दो क्या तुमको, ये क्या होता है मेडिटेशन, बोले ऐसे। ये ध्यान के लिए बहुत संयम चाहिए। पहले
आपके शरीर की, मन की अचंचलता, शरीर अब 2 घंटे से बैठे कोई भी हलचल शरीर में कहीं भी नहीं, ऐसे ऐसे कुछ प्राण बिल्कुल संयमित, मन शांत, अवश्य अपने लक्ष्य पे लगा है। इष्ट में, नाम में, मंत्राकार वृत्ति, बहुत समय तक आंख खुली है बंद है शांत है। कितनी देर शरीर को आप, शरीर को आप केवल देखो, कितनी देर आप है? उठते बैठते चलते फिरते ध्यान करने वाले को नासाग्र दृष्टि रखनी है, बस जितने में चरण दिखाई दे रहे होते हैं नासाग्र, 10 मिनट करके देखो सर में दर्द होने लगेगा, क्यों? ब्रह्मचर्य ठीक नहीं, आहार ठीक नहीं है, ये सब ऐसे नहीं, ऋषि मुनि जन जैसे ऐसे नहीं है कि खिलवाड़ वाले मार्ग हो। अगर वो योग शब्द से जैसे हो, अनुलोम विलोम कपाल भाती, वो भगवत प्राप्ति के लिए नहीं है, थोड़ा शरीर स्वस्थ हो जाए और अच्छा अच्छा पदार्थ पाए और विषयों का भोग करें। यद्यपि योग मन को शांत करता है, चित्त को चंचलता रहित करता है और आत्मानंद अनुभव के लिए भगवत स्वरूप का अनुसंधान करने के लिए बहुत बड़ा सहयोगी है, पर उसके लिए सात्विक आहार, जितेंद्रियता, आसन स्थिरता, संयम, ये अति अनिवार्य है। इसके लिए अब हमारे शरीरों की गति क्या हो गई देख लो, आप देख लो योग का जो स्वरूप है वो सच्चा योग यह है। भगवान वर्णन कर, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपया। सतत भगवद स्मरण हो रहा है, श्वास प्रश्वास सहज गति में चल रही नामाकार वृत्ति है, ध्यान में भगवान विराजमान, बुद्धि भगवत स्वरूप हो गई है, ददामि बुद्धि योगम तम येन, ये योग का स्वरूप है। थोड़ी देर प्राणों का, जैसे हम शरीर का व्यायाम करते हैं, प्राणों का व्यायाम हो गया, पर ये उस योग की बात नहीं हो रही, चित्त वृत्ति का निरोध करके परमात्मा में अविचल स्थापित कर देना उसे योग कहते हैं, उसे ध्यान कहते हैं। चलते फिरते उठते बैठते हर समय आराध्य देव की स्मृति में तन्मय उनका रूप छाया हुआ, प्रिय मूर्ति नयनन बसे तेहि रस रहे समाए, कुछ और याद ही नहीं आ रहा, रूप छके घूमत, ये ध्यान, ध्यान की अवस्था। इसका अभ्यास, पवित्र आचरण, पवित्र इंद्रियां, पवित्र हृदय, पवित्र आहार विहार का क्या पवित्र है, क्या पवित्र है। कलयुग में जोग न यज्ञ न ज्ञाना, बस एक आधार राम गुण गाना, प्रभु के लीला चरित्रों को गाओ सुनो, और सब भरोस तजी जो भज राम ही, प्रेम समेत गाव गुण ग्राम ही, सोई भव तर कछु संशय नाही, नाम प्रताप प्रगट कलिमाही। हे गरुड़ जी, जो सब भरोसा छोड़कर एक भगवान का भरोसा ले लेता है और खूब नाम जप करते हुए समय व्यतीत, कभी नाम कीर्तन, कभी गुण कीर्तन, कभी नाम जप, कभी नाम ध्यान, भरोसा प्रभु का, कहने निश्चित निश्चित वो भव सागर से तर जाता है। यही बार बार बात सत्संग में भी सार बात यही कहते हैं, भगवान का आश्रय लेकर भगवान नाम जप करते हुए परोपकार करो, दूसरों की सेवा करो, निश्चित आप परम पद के अधिकारी बन जाओगे। कलयुग का एक बहुत बढ़िया प्रताप है, ये और युगों में नहीं है, इसमें मानसिक पुण्य तो बन जाता है, पाप नहीं लगते, अगर मानसिक पाप लगते तो पता नहीं क्या दुर्गति होती। ये तो बड़ा प्रताप है कलयुग का कि मानस पुण्य होए, पुण्य से जैसे आप कहीं बाहर रह रहे हैं, आपको लगा कि कल चलेंगे वृंदावन, बिहारी जी को दर्शन करेंगे, परिक्रमा लगाएंगे और कुछ संतों को भोजन पवाएंगे, और कल आपके सामने ऐसी परिस्थिति आ गई, वास्तविक आप चलना चाहते थे, वास्तविक आप करना चाहते थे और आप नहीं आ पाए, नहीं कर पाए वास्तविक, तो आपको पूरा पुण्य फल मिलेगा, वृंदावन आने का, परिक्रमा लगाने का, संतों को भोजन पवाने का पूरा मिलेगा।
चतुराई नहीं कि आज के बाद जाके संकल्प करें कि ऐसा कर करेंगे, फिर देखो काम आ गया। वो अंदर से प्रभु जांच कर रहे हैं कि पूरे आप तैयार थे, आपके पास पैसे तैयार थे, पूरा आपका पक्का संकल्प बन गया था, पूरा भाव बन गया था, पर वो ऐसी परिस्थिति आ गई कि आप नहीं, तो आपका हो गया, वो हो गया। अब आपने मन में पूरा पाप सोच लिया पर क्रिया में नहीं किया तो बिल्कुल पाप नहीं लगेगा। ये कलयुग का एक प्रताप है, पर सावधान, छूट नहीं मिल रही। कलयुग में इतना संयम नहीं कि मन संकल्प करे आप फिर क्रिया में ना उतर पाओ, तत्काल वो आपको क्रिया में उतार देगा। इसीलिए जहां मन में भी कोई पाप बात आने लगे तो उसको अवसर मत दो, राधा 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 काटो, वो काटता जाएगा। मन आपको कहेगा चुप रहो हमारी बात सुनो, आप मत सुनो राधा राधा राधा, वो फिर धीरे धीरे पाप वासनाएं जो स्फुरित होती शांत होती जाएंगी। ये कलयुग बड़ा महिमामय भी है, जिसकी ये बातें कही गई कि बड़े अवगुण बड़े ऐसे, तो कह रहे हैं कल युग सम युग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गन बिमल भौतर भी नहीं प्रयास। देखो साधना में आसनों का बहुत बड़ा संयोग है, बहुत बड़ा स्थान है। सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन, वीरासन, बड़े आसन है जिनमें बिल्कुल शांत बैठ करके पीड़ा होती है शरीर में, वो वायु जो बढ़ी हुई वायु है उसका शमन करता है शांत। अब इसके लिए सामर्थ्य चाहिए, देखो कितनी सामर्थ्य है, नौ नौजवान है पर ऐसे बैठने के लिए कि आप जो है 48 मिनट बिना हिले डुले बैठिए नहीं हो सकता। अगर अभ्यास नहीं किया तो आप नहीं हो सकता। और 3 घंटा साधक के लिए है कि बिना हिले डुले 3 घंटे आप बैठे तो उसका आसन परिपक्व होने लगेगा, प्राण संयमित हो जाएंगे, ब्रह्मचर्य पुष्ट होने लगेगा, धीरे धीरे ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी बन जाएगा। सामर्थ्य 3 घंटे, पद्मासन, सिद्धासन, किसी भी आसन, मतलब ये सरल आसन तो साधकों के लिए नहीं, ये गृहस्थों के लिए, कि जैसे सुखासन में बैठ गए, ये साधकों के लिए नहीं। साधकों के लिए पद्मासन, सिद्धासन, यही आसन है, इन्हीं में प्राय अभ्यास होना चाहिए। अब सोचो कितनी देर पद्मासन, कितनी देर सिद्धासन, अभी बैठो थोड़ी देर के बाद ये लगेगा कि टूट रहे हैं जांघें, और ये लगेगा कितने मिनट हुए। पूरा ध्यान अगर कह दें कि आप 30 मिनट बैठोगे तो 2-4-10 मिनट नहीं कहते, इसके बाद आपका ध्यान वहीं रहेगा घड़ी की सुई में, कब 30 मिनट हो, हटाएं इसको, इतनी पीड़ा होती है। धीरे धीरे उस पीड़ा का सहकर, मतलब यह अनुभव किया गया है कि लगभग जैसे अभ्यासी है तो 40-45 मिनट तक आराम से बैठ लिया, ध्यानस्थ है, इसके बाद पीड़ा शुरू हुई, मन घसीटा उस पीड़ा में, 20-30 मिनट सहनी होगी, फिर इसके बाद शून्याकार स्थिति, शांत। अब घंटों बैठे रहो, न पीड़ा होगी और न उसका चिंतन, शांत। 3 घंटे बिना हिले, कहाँ है, कहाँ साधन बन सकता है ऐसे, क्या योग बन सकता है। मंजीरा उठाओ, शुरू करो राधा राधा, 1 घंटा कीर्तन करो, अब इसमें सो नहीं सकते, नहीं सोओगे। अब देखो मंजीरा, राधा 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 राधा, इससे सीरीज मिल जाएंगे। अगर बहुत राग रागिनी आती है और प्रियाजू से अपनापन नहीं तो स्वाद नहीं होता। मानत अपनो भाग, राग करत अनुराग बिन, दीखत सकल अभाग श्री हरिवंश। और कोई राग नहीं, राधा राधा, अगर रोना ना जाए तो बताना, एकांत में प्रभु को सामने करके आप कीर्तन शुरू कर दो, ये कीर्तन महामंगल कर देगा, महामंगल, गुण कीर्तन, नाम कीर्तन। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। अन्य युगों में बड़ी बड़ी अरे ऐसी साधना, दाहिने पैर के अंगूठे के बल खड़े होकर, इस पैर का तो संयोग ही नहीं है, ये पैर उठा हुआ है या दाहिने पैर पर इसका स्पर्श ऐसे है, अंगूठे के बल दोनों हाथ उठा करके 10,000 वर्ष तक मंत्राकार वृत्ति। यहां तो 10,000 वर्ष क्या मतलब, अगर कहा जाए 1 मिनट तो हमें लगता है, अगर अभ्यास न हो तो अंगूठे के बल पूरे शरीर को रोक कर 1 मिनट हाथ उठाकर और वृत्ति मंत्र में लगाओ, अंगूठे में नहीं,
कैसे ये तपस्याएं होती थी। दूब में कोई रस होता है? अंगूर का रस पी के तो भले एक दो दिन कट जाए, दूब का रस कैसे हो? सेव का जूस पी के रहे, कंदमूल फल में जानते क्या होता है, पिपरी बरगदी ये फलों, वहां कोई सेव संतरा थोड़ी लगे रहते थे, जंगलों में यही जंगली फल कहीं मूल मिल गया वो भी उचित। ऐसे हड्डियां शरीर की, और उनको भी भगवत प्राप्ति दुर्लभ लिखी गई अन्य युगों में, और कलयुग में लाडली जी को भोग लगाओ पाओ और उठाओ मजीरा, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे देखो आप साय बन जाएगी आपकी, एक क्षमा बन जाएगा आपकी, हर इंद्री राधा राधा बोलने लगेगी। कोई कोई ध्वनि तो ऐसी फंस जाती कि हटाओ भी तो नहीं हटती, राधा नाम की आप खुद देखना, कोई कोई ध्वनि ऐसी अपने आप चलने लगती, इसीलिए हर ध्वनि में राधा नाम गाते हैं कि अगर तुम्हें संसार की ध्वनियां प्रिय हैं तो ले इसमें अमृत लगा के हम तुम्हें संसार की ध्वनि भी दे रहे हैं कि गुनगुनाओ राधा 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 भाव कुभाव अनखाल शहु नाम जपत मंगल दिशित शहु। कलयुग में भगवत प्राप्ति का सहज सरल समर्थ सत्य उपाय, जैसे बने वैसे तुम जो भी खाओ पियो प्रभु को भोग लगा के खाओ पियो, पर ऐसी चीज प्रभु को भोग नहीं लगती जो अभक्ष होती है, बात सुनो। इसलिए जो भी कह दिया तुम्हें लगता है कि हम पकोड़ा पाएंगे, हम जो भी आपको, हमारे प्रभु को भोगो, उसके बाद प्रसाद रूप से पाओ, और नाम जप नाम कीर्तन गुण श्रवण और गुण कीर्तन और जो बन जाए सेवा, इतने से आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये इस धर्म का प्रधान भगवत प्राप्ति का स्वरूप है, नहीं बहुत धोखा का ऐसा भाव प्रकट हो जाता है कि हम ज्ञानी हो गए या ऐसा, और समय भगवत विमुख नष्ट होता रहता है। अंदर की बात मैं बता रहे, बहुत सावधान, ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करें न दूसर बात, कौड़ी लागी लोभवत करें विप्र गुरु घात। भाई ये कलिकाल है, यह कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम बिन नाहिन आन आधार। नाम नाम, जितना नाम कीर्तन कर सको, जितना नाम जप कर सको, जितनी भगवत चर्चा सुन सको, जितनी भगवत लीला गा सको, यही तुम्हें भगवत प्राप्ति करा देगी। कलयुग में यही प्रधान है, बस सार बात है भजन। कोई विश्व का विघ्न तुम्हें परास्त नहीं कर सकता, खूब नाम जप करो। कलयुग में और कोई साधन नहीं है, नाम जप नहीं चल रहा, आंख मूंदे बैठे हो, समय बर्बाद कर रहे हो, तुम्हारा ध्यान करने की क्षमता नहीं रह गई है। ध्यान करने की क्षमता नाम प्रकट करेगा। जितना गुरु मंत्र जपोगे, नाम जप करोगे, आपके करण पवित्र होंगे और भगवान कृपा करके पधारते हैं ध्यान में। वो केवल ऐसा नहीं होता कि बैठे रहते हैं ध्यान करने, भगवान पधारते हैं, वो करुणा में है ना, उनका ध्यान, जो ध्यान के विषय नहीं है वो ध्यान के विषय बन जाते हैं आकर के, इंद्रियों की सामर्थ्य नहीं वहां ध्यान कर सकते। खूब नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो, जहां तक हो सके आहार शुद्ध पाओ और भगवद अर्पित करके पाओ, तो ये जीवन भजनमय हो जाए।